लड़का बेसबॉल को मारता है और वो सीधा जाकर उसके भाई के सिर पर लगती है और लड़के की मौत वहीं पर तुरंत हो जाती है। लेकिन जब लड़के का अंतिम संस्कार हो जाता है तो बड़ा बेटा इयान अपने पापा के गले लगता है। लेकिन जैक के अंदर तो बदले की आग लगी हुई थी। वह चाकू निकालता है और अपने छोटे बेटे की मौत का बदला लेने की कोशिश करता है। लेकिन तभी लड़की की माँ सुजैन वहाँ पर आ जाती है। वह बेतहाशा जैक को रोकने का प्रयास करती है लेकिन जैक उसे शीशे में लड़ाकर बेहोश कर देता है। और जब सुजैन को होश आता है तो वो देखती है कि उसके पति और बेटे उसके पास नहीं है, इसलिए वह उनको डरावने घर में चारों तरफ दौड़ती है। जब वह दौड़ते हुए बेसमेंट में पहुंची तो वह देखती है कि उसका पति मरा हुआ पड़ा है। और जब वह बेसमेंट से बाहर आई तो वह देखती है उसका बेटा इयान बेसमेंट के डोर के सामने खड़ा हुआ है और उसका पूरा शरीर पीला पड़ा हुआ है। सुजैन अपने लड़के से पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, लेकिन उसका लड़का उसकी तरफ घूरता रहता है और कोई जवाब नहीं देता। लेकिन तभी उसको एक अदृश्य शक्ति अंदर खींच लेती है। सुजैन भी धीरे धीरे अंदर जाती है और वो देखती है कि पूरा बेसमेंट खाली पड़ा हुआ है। समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा, लेकिन एक पल में ही उसका पूरा परिवार उजड़ गया।